संस्कृति, संस्कार और संस्कृत से आवेष्टित भारतीय चरित्र को और राष्ट्रीयता को अपनी संवेद वाणी की प्रबुद्धता प्रदान करने का काम कमलेश शर्मा के द्वारा हिंदी के काव्य मंचों पर जो किया गया, वो हिंदी काव्य मंचों की धरोहर बनकर के रहेगा। जो लोग साहित्य के प्रतिमानों को जीते हुए अपने राष्ट्र की आराधना में अपने आप को लगाते हैं, उन कवियों में से एक कवि है जो अपने चारित्र के बल के साथ साथ अपने कवित्व बल के माध्यम से भी जनता को रिझाने में कामयाबी हासिल करता है। नई पीढ़ी के उद्दीत होने वाले जो कंठ स्वर है, उन कंठ स्वरों में निकलने वाली जो राष्ट्र देवता की आराधना की ध्वनि है, उस ध्वनि को संपूर्णता और समर्थता के साथ घंटा निनाद करने में भाई कमलेश शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है। इस महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि उनकी भाव भंगिमाएं संपूर्ण रूप से शब्द शब्द में प्रस्फुटित होकर के राष्ट्र देव की आराधना में रत रहती हैं, और उन रत रहने वाली भावनाओं को श्रोताओं का मिलने वाला आशीर्वाद और पाठकों का मिलने वाला आशीर्वाद उसे निस्संदेह चिरजीवी बनाता है। शाही से अलंकृत होने वाली जो कविता उज्ज्वलता प्रदान करती है, शाही भले ही काली हो लेकिन कविता की जो उज्ज्वलता है उसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह वो उसे सिक्त शांत और अमृतमय करने का काम करती है। मैं बधाई देता हूँ इस युवा कवि को कि इसने अपने जीवन में राष्ट्र की आराधना को उच्चरित करते हुए हिंदी काव्य मंचों का सम्मान बढ़ाया है।